गाइस ये हल्ला कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी आ रहा है, बस बोले नहीं रहूंगा आ गया, नहीं रहूंगा आ गया, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया गाइस, इनके साथ प्रैंक हो गया। वो तो बैठे पड़ा है, बहुत ही मजा आ रहा है गाइस। अभी तक वो आए नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं बस उन्हें का। गाइस कोई भी गाड़ी आ रहा है, बस सब कोई उनके ऊपर पड़ जा रहा है कि निरुआ आ गए, निरुआ आ गए। देखिए पीछे कितना भीड़ है। गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज अभी का सीन ये है कि आज हमारे पटरौना शहर में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आने वाले हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। हमारे साथ है अरविंद, तो हम दोनों ही साथ में जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ का सीन क्या रहता है, बहुत ही मजा आएगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग उस लोकेशन में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे निरहुआ जी आने वाले हैं। तो काफी उनके फैंस सब आए हुए हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, चलिए चलते हैं। सो गाइस हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे काफी भीड़ है गाइस, चलिए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अभी वो आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं रास्ते में, लेकिन उनके आने से पहले यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ लगा है गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड कितना ज्यादा है। तो गाइस आप पीछे देख सकते हैं क्या ही क्राउड है यहाँ पे, और मैं एक ट्रक के ऊपर चढ़ा हूँ इस लोकेशन को शूट करने के लिए। गाइस यहाँ पे 4-5 लोग मिल के प्रैंक कर दिए हैं कि वो आ चुके हैं। गाइस सब कोई जा रहे हैं आगे, लेकिन अभी वो आए नहीं है, सबको आगे जा रहा है गाइस। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आ रहे हैं वो। देखिए इसमें पीछे उनको बैठाया गया है। क्या बोला तूने? ये बच्ची गाड़ी। ठीक बा क्या भैया? सो गाइस देखिए यहाँ पे कौन है। गाइस प्रैंक हो गया यहाँ पे, जिसका इंतजार था वो है ही नहीं इसमें। गाइस ये हल्ला कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी आ रहा है, बस बोले नहीं रहूंगा आ गया, नहीं रहूंगा आ गया, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया गाइस, इनके साथ प्रैंक हो गया। बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, अभी तक वो आए नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं बस उन्हें का। गाइस कोई भी गाड़ी आ रहा है, बस सब कोई उनके ऊपर पड़ जा रहा है कि निरहुआ आ गए, निरहुआ आ गए। देखिए पीछे कितना भीड़ है। चलिए गाइस बने रहे ब्लॉग के साथ। Years later. So guys, अभी रात हो गया है और अभी तक निरहुआ नहीं आया है, देखते हैं कब तक आते हैं, हम लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं। सो देखते हैं कब तक आते हैं, आप ब्लॉग के साथ बने रहे।
सो गाइस फाइनली इंतजार तो खत्म हो गया है, देखते हैं उधर से गाड़ी तो आ रहा है पर कंफर्म नहीं है कि उन्हीं का है, देखते हैं सब कोई उधर ही जा रहा है। सो गाइस आ गए फाइनली, योगी महाराज के हाथों को मजबूत करने के लिए आज अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं। मैं इस अवसर पर माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को अपने मुखार बिन से आपसे आग्रह करने के लिए स्पीकर लाने का कुचक कहीं चल रहा है तो पनोला की धरती पर चलना है। जीतने के लिए नहीं लड़ रहे लोग, इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ऐसे माननीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को अगर मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजय श्री दिलाने का कार्य अवश्य पूरा करना होगा। और ये गाने के साथ ये विजय श्री का अभियान आगे बढ़े, गाना बजाओ, गाना लगाओ भाई और आगे का रास्ता छोड़ो, गाड़ी आगे बढ़ने दीजिए आप लोग, बहुत लंबा सफर है। सीधे जाएगा उसी नगर में, बहुत लंबा नगर तय करना है, गली और उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे चलिए, सीधे जल्दी करिए गाड़ी को। आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहने के लिए आए हैं, एक निवेदन के लिए आए हैं कि आप लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। आज हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बनाया, तो आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। और जितने गुंडे माफिया हैं, या तो जेल के भीतर और नहीं तो सीधा, और फिर जो उन बदमाशी करिए उनको घुटना पंचर। और कानून का राज स्थापित किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, ताकि हर व्यापारी अपना सुरक्षित से अपना
योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़े भैया है विजय दुबे जी माननीय सांसद जी ये हमारी शूटिंग भी बंद करवा दी है और हमको आजमगढ़ से प्रचार बंद करवा के यहाँ लेके आए हैं। तो आप लोग निरहुआ यहाँ आए लत लाज रखवा लो कि ना हाथ उठा के बतावा सबके हो। तो गाइस फाइनली निरहुआ जी चले गए हैं और हम लोग आ गए हैं अपने कॉलोनी के पास। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं गाइस, तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूं और अरविंद आपसे कुछ कहना चाहता है तो आओ भाई बोल दो। हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे कहानी हमारे भैया श्री बताएंगे, तो बताइए भैया श्री। सो गाइस मुझे कुछ नहीं बताना है, जो भी अरविंद ने बोला है वो आप कर दीजिएगा और हम लोग बहुत थक चुके हैं तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। So thank you so much for watching this video. Bye, good night. Bulldozer Baba chalo, Bulldozer Baba chalo, Bulldozer Baba chalo.